नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आज का बाजार बहुत ही कंफ्यूजिंग रहा ट्रेडर्स को। मुझे लगता है आज लंबे समय बाद अगर उन्होंने कुछ पोजीशन लिया तो उनमें लॉस हुआ होगा, अदरवाइज वन साइडेड मार्केट आपके लिए ऊपर ही जा रहा था। आज के सेशन में काफी हैविली ट्रैप किया गया बाजार के द्वारा, स्पेशली बैंक निफ्टी में। देखिए, कल के सेशन में बैंक निफ्टी में 2 बजे के बाद एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ, जब 45,150-200 के ऊपर निकला बैंक निफ्टी और उसका डायरेक्टली आज आपको देखने को मिला 45,905 का हाई लगा दिया और वहां से वन साइडेड एक शार्प फॉल आया जहां पे लो लगा 45,281 का। तो बड़ी करेक्शन हुई ऊपर से, 600 पॉइंट की करेक्शन अपने आप में काफी बड़ी करेक्शन होती है। केवल नीचे गया ये एक बात नहीं है, बात है कि वॉलेटाइल काफी हो गया। नीचे आके दोबारा आपके लिए फिर 45,650 तक आया, फिर अभी 45,460 पे ट्रेड कर रहा है, 13 पॉइंट पॉजिटिव निफ्टी, बैंक निफ्टी अभी ट्रेड कर रही है एंड बीच बीच में 100 पॉइंट नेगेटिव हो रहा है। तो आज वॉलेटाइल सेशन देखने को मिला है बाजार में। जो लोग नए जुड़ रहे हैं शेयर बाजार में उनको लोगों के लिए मैं बताना चाहूंगा कि इस तरीके के बाजार में कुछ भी ट्रेड ना करना ज्यादा अच्छा रहता है। आप लॉन्ग शॉर्ट करने की कोशिश करोगे दोनों जगह मारे जाओगे। ऐसे बाजार को केवल देखिए दूर से और अपनी निवेश वाली पोजीशंस में ना जो स्टॉक का प्राइस मूव कर रहा है उन पे उतना ध्यान नहीं देना चाहिए आपको। ये वॉलेटिलिटी आपको बर्दाश्त करनी होगी। अभी तो आप पिछले कुछ दिनों से देख रहे हो मार्केट वन साइडेड ऊपर जा रहा है। अगर मैं इनफैक्ट बोलूं 19,000 के ऊपर जब से निफ्टी निकला है आपने एक भी बार ऐसा लेवल ही नहीं देखा कि 19,000 के नीचे गया हो। 19,500 से एक करेक्शन हुई थी 19,300 तक की, उससे बड़ी करेक्शन भी नहीं देखी आपने 200 पॉइंट से। तो यहां सिंपल सी भाषा में आपको बताना चाहूं तो ये है कि अभी मार्केट बहुत सिंपल और बहुत शॉर्टेड चल रहा है। मार्केट बहुत दिमाग खराब करता है, बहुत समय ऐसा होता है जहां आपका पैसा पूरी तरीके से टूटता है। तो जितनी कोशिश हो वहां इन्वेस्ट करो, ट्रेड ना करो। अब आते हैं इन्वेस्ट वाली पोजीशंस पे। सबसे पहले तो पोर्टफोलियो की आज लंका लगी हुई है मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मार्केट में आज वॉलिटिलिटी काफी देखने को मिली है। स्मॉल कैप मिड कैप में गिरावट देखने को मिली है। अब देखिए, स्मॉल कैप इंडेक्स 1% टूटा हुआ है और मिड कैप भी फ्लैट टू नेगेटिव है। बैंक निफ्टी भी फ्लैट टू नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में झूल रहा है। निफ्टी में लगभग 40 पॉइंट्स की पॉजिटिविटी और सेंसेक्स में 0.3% की तेजी है। तो ये बाजार का हाल है। लेकिन एडवांस और डिक्लाइनिंग स्टॉक देखूंगा तो मेरे को क्लियर कट दिख जाएगा कि भैया आज तो पोर्टफोलियो लाल निशान में है। अगर बात करें एडवांस शेयर्स की तो 704 शेयर्स हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं एनएससी पे, तो उसके सामने 1226 शेयर लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं आज एनएससी पे। दैट मींस रेशियो नेगेटिव वाले शेयर्स का ज्यादा है। तो डेफिनेटली पोर्टफोलियो में तो आज बड़ी गिरावट देखने को मिल रही होगी लोगों को। अगर बढ़ने वाले स्टॉक्स की बात करें तो आईटी लीड कर रहे हैं। देखिए, आईटी ने कमाल कर दिया पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन में। आपके लिए 1300 वाला इंफोसिस 1500 पहुंच गया, 3200-3300 वाला टीसीएस 3600 पहुंच गया। यही होता है जब आप ज्यादा उछल कूद करते हो, आप अच्छे स्टॉक को बेचते हो। हमेशा कहा कि ये तो वेल बेदर है, इनको बेचना ही नहीं है, रखे रहो, छोड़ दो, भूल जाओ, समय बढ़ाओ बस। तो जो लोग रखेंगे ना वो पैसा बनाएंगे। अब जिनके पास नहीं है आईटी उनके लिए आज का बाजार बिल्कुल बेकार है, नेगेटिव है। तो यहाँ पे आज आईटी ने धमाका कराया। इंफोसिस स्पेशली 3.5% से ज्यादा की तेजी में, एससीएल टेक में 0.25% की तेजी है, कोफोर्ज में फ्लैट टू पॉजिटिविटी है, परसिस्टेंट फ्लैट टू पॉजिटिव है। इनफैक्ट आज इंफोसिस ही भागा है, बाकी कुछ ज्यादा खास ट्रेड नहीं करता हुआ दिख रहा है। गिरने वाले स्टॉक्स की बात करें तो मीडिया सेक्टर आज कहीं ना कहीं बड़े लाल निशान में। कुछ स्टॉक्स खबरों में है लाइक गोदरेज एग्रोवेट, इसकी एक पर्टिकुलर पूरी वीडियो बनाऊंगा। 47,000 कहीं ना कहीं एकड़ की जमीन इनको सरकार की तरफ से मिली गई है, तो बड़ा इनके लिए डेवलपमेंट है। इसी के दम पर स्टॉक 5.5% भागा है। पॉलीकैप के अपने शानदार नंबर के बाद स्टॉक 5% से ज्यादा की तेजी में दिख रहा है, 4100 का लेवल निकाल दिया, मल्टीबैगर शेयर बना है। डेल्टा कॉर्प, खबर यह है कि जो 28% का जीएसटी लगाया जा रहा है इसके ऊपर एक बार और बैठक हो और ये कम किया जाए या हटाया जाए, इस तरीके की कुछ खबरें हैं जिसकी वजह से स्टॉक भाग रहा है, बट ऐसा कुछ होगा नहीं एनालिस्ट का ऐसा मानना है। गिरावट एंजल वन के स्टॉक में बहुत ज्यादा बड़ी आ गई है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। 8% क्रैश हो गया नंबर्स के बाद, जो एनएससी की तरफ से अपडेट आई थी उसकी वजह से ये स्टॉक टूटता हुआ दिख रहा है। अमरा राजा एक ब्लॉक डील हुई आज, लगभग 1600 करोड़ का सौदा हुआ जहां पे क्लेरियोस ने पूरी की पूरी अपनी बिकवाली कर दी, स्टेक पूरा बेच दिया 14% का, लगभग 651 का भाव तय किया गया था, लेकिन स्टॉक उसके भी नीचे निकल रहा है, 643 पे ट्रेड कर रहा है। हैप्पीएस्ट माइंड में गिरावट है, जेबीएम ऑटो लाल निशान में, एचडीएफसी बैंक के स्टॉक को लेकर काफी क्वेरीज है, तो मैं एक पूरी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा आज के दिन के दौरान।
लगभग अभी फ्लैट टू नेगेटिव ट्रेड कर रहा है। निफ्टी की बात की जाए तो 30 शेयर्स कहीं ना कहीं लाल निशान में, 20 शेयर्स हरे निशान में, जिसमें से इन्फोसिस लीड कर रहा है तेजी को और एलटीए माइंडट्री लीड कर रहा है मंदी को। दैट मीन्स एक आईटी लीड कर रहा है, एक आईटी गिरावट को लीड कर रहा है, एक तेजी को लीड कर रहा है। अब कुछ खबरें, सबसे पहले तो आज जिनके नंबर आने हैं वो खबरों में पोस्ट मार्केट, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड है उनमें से, इंडसइंड बैंक है उनमें से, और आपके लिए जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो है रिलायंस का स्टॉक। कल के सेशन में सारे एफएनओ के कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायर हो जाएंगे क्योंकि परसों डीमर्जर की डेट है। तो ये दो तीन स्टॉक हैं जो आपको रडार पे रखने हैं। अमेरिका के बाजार की बात करें तो फ्यूचर्स कुछ भी नहीं दिखा रहे हैं, हल्के हल्के लाल निशान में है। यूरोप के बाजार में कुछ खास नहीं चल रहा है, हल्के लाल निशान में, और एशिया पैसिफिक मिला जुला है, तो कहीं से कुछ बड़े संकेत अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो हल्की पोजीशन ज्यादा बेटर है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए पूरी अपडेटेड वीडियो जो भी आज बाजार में हुआ, होप आपको सारी चीजें समझ और अच्छी लगी होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।